आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं जैसे फॉर पर एक क्वांटिटी है मैं चाहता हूं कि जो 20 से ऊपर उसको हाईलाइट कर दे। तो मैली आपने मेजरली क्या किया आपने गए और 80 को किया और यहां से हाईलाइट कर दिया तो एक कलर हो गया। लेकिन ये मैनुअल हो गया। आपने मैनुअल किया कल तो के रेट में अगर यहाँ पे चेंज होता है मान लीजिए एट्टी से आठ हो गया तो कलर नहीं हटेगा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना कि कलर अप्लाई करेगा उसको मेंटेन भी करेगा तो पहले तो एरिया को सिलेक्ट कीजिए जिस एरिया पे आपको अप्लाई करना है उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज है इसमें सबसे पहला कैटेगरीज है हाईलाइट सेल्स रूल्स क्या है हाईलाइट सेल्स रूल्स हाईलाइट सेल्स रूल्स में कई सारे ग्रेटर लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑबलिंग डुप्लीकेट जैसे चीजें आप देख पा रहे हैं तो इसमें हम पहले हम ग्रेटर देन लेते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में हमने यहाँ सेलेक्ट किया मान लीजिए को कर कर लिया या फिर greater than 20 कर लिया ग्रेटर देन तो 20 से ऊपर जितने भी है आप देख सकते हैं सारा हाईलाइट हो गया और कलर एक डिफॉल्ट कलर ले लिया तो कलर आप यहां से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पे ग्रीन फिल कर दिया तो ग्रीन हो गया मैं यहां पे जो है राइ, राइट ले रेड कर दूं तो राइट रेड हो जाएगा तो जो कलर सेलेक्ट ये आएगा इसके अलावा यहाँ कस्टम फॉर्मेट आपको दिखेगा इस कस्टम फॉर्मेट पे आप जाइए और कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ आप जो है अपनी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने चूज कर लिया इसको एंड ओके okay किया एंड देन ओके किया तो इसे अप्लाई नहीं हो नाइन यहाँ पे देखिए थर्टी है, 30 है। अगर तो मैंने इसको थर्टी कर दिया तो हाईलाइट हो जाएगा थर्टी वन को मैं थर्टीन कर दिया यहाँ पे तो कलर पे हफ्ता हाईलाइट भी हो जाएगा तो इसका यूज हम लोग करते हैं तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कंडीशन मैटिंग में और क्या क्या है तो हमने यहाँ पे हाईलाइट ग्रेटर देन किया किसी नंबर से बड़ा लेस देन किसी नंबर से छोटा बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद अपना सेलेक्ट कीजिए कंडीशन सेलेक्ट कीजिए एंड ओके okay कीजिए आपका अप्लाई हो जाएगा अब यहीं पे जो है आपका एक आता है इक्वल टू अब एक चीज जान लीजिए कि ग्रेटर देन लेस देन और बिटवीन इन तीनों में आप जो है नंबर डेट हाँ, एंड टाइम दे सकते हैं इस इसपे आपको तो टेक्स्ट वगैरह नहीं दे सकते आप बोले कि भाई इसमें टेक्स्ट हो ले लें या कुछ ले लें ऐसा नहीं दे सकते हैं हाँ इसमें आप जो है डेट एंड टाइम दे सकते हैं देखिए एग्जैक्ट सेल वैल्यू जो कि इक्वल टू होता है कुछ भी दे दीजिए जैसे सोलह को हाईलाइट कर दिया या फिर मैं चाहता हूं सारा कैश हाईलाइट हो जाए तो यहाँ हम गए और यहाँ पे हमने सारा कैश को हाईलाइट कर लिया इक्वल टू तो कैश हाईलाइट हो कैश हाईलाइट हो गया चीज हाईलाइट कर सकते हैं लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जैसे कि हम सिटी को हाईलाइट कर रहे हैं और सिटी में इक्वल टू में हमने ले दे लिया वैली तो देखिए दिल्ली हाईलाइट हुआ बट हमारा न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं क्योंकि तो एग्जैक्ट सेल वैल्यू है इसलिए ऐसा हो रहा है हम चाहते हैं कि नहीं नहीं ये हाईलाइट हो जाए मतलब कि कि दिल्ली हो या न्यू दिल्ली हो दोनों केसेस में हमारा हाईलाइट हो जाए ठीक है अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं टेक्स इक्वल टू ना लेके हम यहां पे टेक्स दैट कंटेन चूज करते हैं टेक्स दैट कंटेन टेक्स दैट कंटेन में क्या है जैसे मैंने यहां पे दिल्ली लिखा तो वो दिल्ली हो या न्यू दिल्ली हो तो सब पे हाईलाइट हो जाता है मतलब कि मिलता जुलता भी हाईलाइट कर लेता है अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं डेट ऑकडिंग डेट ऑकडिंग जैसे कि मैं डेट है हमारा तो डेट में अगर मान लीजिए मैं आज का डेट हाईलाइट करता हूं तो इक्वल टू में जाएंगे और आज की डेट जो है हमारा है वो है तेईस जीरो तीन दो हजार तेईस हाईलाइट हो गया बेटा तो फिक्स हो गया ना कल मैं फाइल खोलूंगा तो चौबीस नहीं रहेगा कल भी ये तेईस ही रहेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करूंगा डेट ऑकरिंग के अंदर में आप यहां से चूज कर सकते हैं सिस्टम डेट जैसे कि टुडे कल आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी टुमारो कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी इस तरह से लास्ट सेवन डेज लास्ट वीक नेक्स्ट वीक दिस बग, दिस मंथ नेक्स्ट मंथ ये पूरा आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और ये हाईलाइट ही नहीं होगा ये मेंटेन भी करेगा जैसे कल ये फाइल खोलूंगा कल मेरा सिस्टम डेट चेंज हो चुका हुआ रहेगा तो कल तेईस से चौबीस को हाईलाइट कर लेगा इस तरह से इसकी हम हाईलाइटिंग कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आता है डुप्लीकेट वैल्यू जैसे आप सिलेक्टेड सेल में सिलेक्टेड डेटा में आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है वो हाईलाइट हो जाए तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू करेंगे तो जो जो नंबर्स जो जो नेम जो जो डेट मोर देन वन टाइम रिपीटेड है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा आवाज सही है ना सर साउंड में प्रॉब्लम तो नहीं है सही है सर सही है बराबर ऐसा वॉइस ठीक है कुछ लोगों थी, को लोग आवाज स्लो आ रही है तो हो सकता है उनका माइक में प्रॉब्लम हो ऐसे रात रात का खाना खा लिया है तो फिर आवाज में बोल बोल होनी चाहिए मेरी जब तो खाना नहीं खाता हूं तब थोड़ी सी आवाज लो हो जाती है तो यहाँ पे क्या है कि हमने सिलेक्ट किया नंबर और मुझे देखना है कि नंबर हमारा कौन कौन हाईलाइट है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर में हम यहां पे डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो मोर देन जो मोर देन वन टाइम होगा वो देखिए यहां पे हाईलाइट हो गया समझे इसका यूज कर सकते हैं, बट अब ऐसे मैं निकालू निकालू कैसे तो फिल्टर वगैरह करके निकाल सकते हैं चलिए अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू दिख रही है ए जो है वो मोस्टली मोस्ट यूजेज कमांड है क्या है मोस्ट यूजेज कमांड है इसके मोर रूल्स में जाएंगे तो और भी फीचर्स मिलेंगे जैसे कि बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट एंड लेस देन इक्वल टू ये सारी चीज यूज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे आएंगे पेसिफिक टेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला टेक्स्ट दैट कंटेनिंग तो उसमें क्या है कि आपका जो टेक्स्ट आप लिखते हैं जैसे हमने यहां पे डेट टेक्स्ट लिख दिया दिल्ली तो दिल्ली जो है वो बीच में हो लास्ट में हो स्टार्ट में हो इससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो तो जैसा हम यहां कर रहे हैं वैसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम हर जगह यूज करते हैं चाहे पिवट हो चाहे नॉर्मल डेटा हो अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ हम मोर रूल्स में और जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया स्पेसिफिक टेस्ट और कंटेनिंग में मैं कर देता हूँ विज्ञान विद तो विज्ञान विद में न्यू कर दिया अब न्यू दिल्ली न्यू जर्सी न्यूयॉर्क जैसे सिटी हाईलाइट हो जाएगी जो न्यू से स्टार्ट होते हैं और जो एंड विथ हम करेंगे तो यहाँ जो एंड विथ होगा जैसे मैं बोलता हूँ कि दिल्ली तो दिल्ली से एंड होना चाहिए दिल्ली रोड दिल्ली गार्डन जैसे वर्ड यूज हाईलाइट नहीं होंगे तो इसके लिए हम यहाँ से फॉर्मेट चूज करेंगे एंड ओके okay कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन में यूज की जाती है उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे दिख पा रहा है कि यहां पे मैं डेटा है है और बीच में एरर मैं चाहता हूं हालांकि इसके लिए हालांकि इसके लिए अगर मुझे मेरे पास अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह तो डाल ही सकते हैं ये फेर का लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं डालना है तो मैं यहीं पे जाऊंगा मोर रूल्स और मोर रूल्स के अंदर मैं यहां पे चूज करूंगा एरर्स एरर्स के अंदर हम जाएंगे फॉन्ट और फॉन्ट में हम जाएंगे इसकी फॉन्ट कलर मेरा क्या है बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो फॉन्ट कलर भी व्हाइट कर देंगे जो एरर्स है उसकी कलर व्हाइट हो जाए जिस कारण से ओके हो गया ठीक है अब कभी कभी क्या है कि जैसे हेमंत कुमार जी ने मुझसे पूछा था कि आ, क्या हम किसी टेक्स्ट का फॉर्स्ट कलर हाईलाइट कर सकते हैं देखिए ध्यान रखिएगा कि एक्सल के एक्सल जो है एक जो टेक्स्ट हुआ जो कि सेल के अंदर होता है चाहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या मोस्टली फॉर्मूला हो वो एक सेल वैल्यू पे अप्लाई होता है सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज पे अप्लाई नहीं होता है तो अगर एक पर्टिकुलर करेक्टर को या फर्स्ट हो या लास्ट हो हाईलाइट करना है तो आपको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके तब जाके उसको कलर करना होगा ऐसा नहीं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या ये तो वीवीए के थ्रू भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सेल पे वर्क करता है न कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू पे ओके सर क्लियर है अब बात करते हैं टॉप बॉटम तो जैसे हमारे पास डेटा है आप देख पा रहे हैं मुझे इस डेटा के अंदर में जो आपको डेटा दिख रहा है इस डेटा के अंदर में मान लीजिए टॉप टेन को हाईलाइट करना है टॉप ट्वेंटी को हाईलाइट करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे टॉप बॉटम दिखेगा टॉप बॉटम के अंदर में जैसे हम टॉप टेन पे क्लिक किए तो टॉप टेन के जगह पे मैं यहाँ पे टॉप हंड्रेड कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ टॉप हंड्रेड या टॉप जो हाईएस्ट वैल्यू बीस भी अगर मान लीजिए ट्वेंटी बीस बार आ गया दस बार आ गया तो ट्वेंटी को हाईलाइट कर लेंगे तो ये टॉप टेन यहां से हाईलाइट ओके okay, तो टॉप टेन यहां से हम हाईलाइट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं और टॉप में यहाँ पे बॉटम टेन हम बॉटम टेन हाईलाइट कर लेते हैं अब यहाँ पे टॉप टेन परसेंटेज बॉटम टेन परसेंटेज है तो बेसिकली एक परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाईलाइट करता है तो प्रेजेंटाइन फॉर्मूला समझाऊंगा तो आपको इसको भी समझा दूंगा उसके बाद यहाँ पे अब एवरेज अब सिलेक्टेड कॉलम जी है इसका जो एवरेज देखेंगे यहाँ पे दस है तो अगर मैंने इसको किया अब एवरेज तो दस से ऊपर वाले को हाईलाइट कर देगा अगर मैंने किया इसको बिलो एवरेज तो दस से नीचे वाले को हाईलाइट कर देगा उस तरह से डेटावाद अब इस तरह के बाढ़ क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के बाढ़ की जरूरत क्यों पड़ती है देखिए क्या होता है कि कई बार कंपेयरिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है मैं एक बार दोबारा बताता हूँ अब जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है अब इस मैं चार्ट तो बना नहीं सकता तो हम कंपेयर कैसे करें कि भाई कौन पूर्ण किस सिटी का सबसे ज्यादा मतलब मान लीजिए कि बीस से सेल हुआ अब जो मे मेरठ में सेल हुआ है हाईएस्ट सेल है या मिडल है या लोवेस्ट है अब इसकी कंपेयरिंग मुश्किल है तो इसकी इस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स इस्तेमाल करते हैं ये अलग अलग टाइप में अलग अलग कलर्स हैं लेकिन सब एक ही जैसे वर्क करते हैं जैसे हमने क्लिक करके अप्लाई कर दिया तो आप देखिए ये पता चल रहा है कि ट्वेंटी जो है हाइएस्ट है और वन जो है हमारा लोवेस्ट है हाईएस्ट थोड़ा सा कम है तो इजिली पता चल रहा है जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक से लेकर दस तक लिख दिया और यहाँ पे हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं कलर करेंगे जैसे जैसे नंबर मेरा बढ़ रहा है वैसे तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा कलर भी बढ़ रहा है जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कलर भी बढ़ रहा है लेकिन प्रॉब्लम कब होती है कि मुझे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस सेल में है उस सेल में नहीं अप्लाई करना है हमें उसकी बगल वाली सेल में मतलब कि उसके दूसरे सेल में अप्लाई करना है इस चार्ट लगाते ऐसा कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते हम जस्ट इक्वल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और एक जुगाड़ लगाएंगे इसे क्या कर दिया हमने लिंक कर दिया मतलब यहाँ माना सिक्सटी हो गया तो वहां भी सिक्सटी हो जाएगा यहाँ पे अगर सोलह हुआ तो वहां भी सोलह हो जाएगा फिर इसके ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमने अपना डेटा बार इस्तेमाल कर दिया अब बोलेंगे सर फिर दिक्कत हो गई ना क्या दिक्कत हो गई क्योंकि तो डेटा बार यहाँ अप्लाई हो गया नंबर दिख रहा हर कोई पूछेगा नंबर क्या है तो इसके लिए हम मैनेज रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे दिखेगा शो बार ओनली इससे क्या होगा आपका जो फिगर है वो फिगर नहीं शो होगा सिर्फ आपका बार शो होगा और जैसे हमने बारह शो किया ऐसे हम आइकन भी शो कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए आइकन पे जाइए और उस क्लिक करके ओके कर दिए तो आइकन क्लियरली बता रहा है कि भाई अपर है लोअर है मिडल है क्लियर पता चल जाता है क्या है तरह से दो कंपेयर करने में जैसे क्वार्टर वन क्वार्टर टू को कंपेयर करना है तो यहाँ भी आप आइकन सेट लगाएंगे तो इस तरह से कंपेयरिंग होए जो बड़ा होगा ऊपर दिखेगा जो छोटा है वो नीचे दिखेगा इस तरह के इस्तेमाल हम कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर हम एक ट्रिक भी कर सकते हैं एक, एक प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं एक ट्रिक भी कर सकते हैं जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक कंपनी एक कंपनी के अंदर टेस्ट हुए जिसका स्कोर ए रहा अब मुझे इस पे रिजल्ट देना है रिजल्ट का कंडीशन है ग्रेटर देन 60 पास 40 to 60 retest or less than 40 is a fail less than 40 is a fail अब यहाँ पे क्या करें अब जो लोग एक्सेल के फॉर्मूले थोड़े बहुत जानते हैं वो बोलेंगे सर इस पे हम इफ कंडीशन लगा देते हैं ठीक है इफ कंडीशन भी लगाया जा सकता है लेकिन हम बिना इफ के भी कर सकते हैं हमने इसको सिलेक्ट किया और आइकन में गए और आइकन में हमने जो टिक का निशान दिख रहा है ये टिक का निशान को सिलेक्ट कर लिया बट अभी मेरे कंडीशन इसके अंदर कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे मैनेज रूल्स में मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ ये जो दिख रहा है आइकन सेट इस आइकन सेट पे हम दो बार क्लिक करके ओपन करेंगे अब यहां अपनी कंडीशन को सेट कर सकते हैं समझे वैल्यू नंबर ले लिया यहां भी नंबर ले लिया और यहां हम क्या करेंगे कि भाई सिक्सटी से ऊपर जो सिक्सटी से ऊपर है और यहां पे हम कर देंगे जो फोर्टी से नीचे है तो फोर्टी और सिक्सटी के बीच में ये देगा सिक्सटी से ऊपर वाले में ये आइकन देगा और फोर्टी से नीचे वाले भी क्रॉस देगा एंड ओके okay कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए अब पता क्या चलेगा कि भाई कौन सा आइकन किसका है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ थ्री टू वन और इसके ऊपर हम अपना आइकन लगा देते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन में गए और ये आइकन लगा दिया अब ये जो वन टू थ्री जो दिख रहा है कोई पूछेगा कि सर वन टू थ्री क्या है तो इसके लिए हम जाएंगे मैनेज रूल्स के अंदर और शो जैसे बार ओनली था ऐसे आइकन ओनली कर दिए ओके धन अप्लाई धैन ओके सिंपल अब कुछ लोग कहें नहीं मुझे इसके आगे सिर्फ जो है ए चाहिए मुझे सेम कॉलम में नहीं चाहिए आगे चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे लिंक कर देंगे ताकि जब भी कोई चेंज होगा तो अपने आप को चेंज कर ले और नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं ड्रैग करने के बाद इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम अपना ए आइकन अप्लाई कर देते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स और इसपे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे सो ओनली क्लिक करके ओके कर देते हैं अप्लाई करते ही आपका नंबर इंडिविजुअल हो जाएगा अब बात करते हैं सेल लिंक जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां ये करना है कि मैं ऊपर जो भी वर्ड लिखूं जो भी नंबर लिखूं वो नंबर नीचे जहां जहां वो हाईलाइट हो जाए तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू और मैं मैनुअली नाइनटी दूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा बट मैं मैनुअली नहीं देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो B2 में है उससे लिंक हो जाए तो ईजली हम इक्वल सेलेक्ट करके इस B2 को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए और मैं यहाँ जो भी लिखूंगा जैसे मैंने यहां पर सेवेंटी लिखा तो जहां जहां सेवेंटी सिक्सटी लिखा ऐसे हाईलाइट हो जाए इसका यूज सर्च वगैरह करने में हमें काफी ज्यादा कंट्रोल एफ न करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात करते हैं जैसे कई बार हमें कंडीशन अपने हिसाब से लगाना होता है जी हाँ कई बार कंडीशन मुझे अपने हिसाब से लगाना होता है जैसे यह है क्वांटिटी है एमआरपी, पी यह अमाउंट और यह है परसेंटेज प्रॉफिट अब मुझे क्या करना है कि जिसकी प्रॉफिट वन थाउजेंड जिसकी प्रॉफिट हंड्रेड से ऊपर है मतलब एक सौ से ऊपर जो प्रॉफिट दे रहा है वो वो उसकी पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए तो क्या करें ये परसेंटेज है हमारा अब इसके लिए कोई फीचर तो है नहीं तो क्या करेंगे एक सेल पे कर्सर रखेंगे कंडीशन न्यू रूल्स पे जाएंगे और सबसे लास्ट फॉर्मूला वाला सेक्शन सेलेक्ट लेंगे तो यहां हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं तो जैसे यहां पे इक्वल इक्वल में मैंने कहा जो एम आर पी हमारा कौन सा ये है अमाउंट है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट और इज ग्रेटर देन वन हंड्रेड नहीं वन हंड्रेड नहीं 97 है वो सेवन परसेंटेज है ना वन हंड्रेड फाइव हंड्रेड कर देता हूँ यहाँ पे फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड है और यहाँ नीचे ड्रैग करने से पहले टू के आए का डॉलर हटा देते जो रो नंबर है उसके आईए का डॉलर हटा देते ताकि नीचे ड्रैग करेंगे तो टू थ्री फोर फाइव अपने आप को इंक्रीज कर लेगा और फॉर्मेट में जाते हैं जो कलर अप्लाई करना है जो बैकग्राउंड अप्लाई करनी है जो फॉन्ट अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लें एंड ओके कर लें फिर फॉर्मेट प्रिंटर से लें और जहां तक डेटा है वहां पर पे इसको प्रिंट कर दें अब इस तरह से हो गया क्योंकि तो डेट का फॉर्मेट अप्लाई हो गया तो कर है तो जहां जहां 500 से ऊपर क्या था कैलकुलेशन था कैलकुलेशन हाईलाइट और हम अलग बात करें तो जैसे मान लीजिए कॉलन ए है मैं चाहता हूँ कॉलन ए में जो भी कोई टेक्स लिखे हाईलाइट हो जाए अब कॉलन ए में टेक्स टाइप है कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला

राहुल जी समझ में आ रहा है ना आपको सर सुरेश जी कोई डाउट इसमें तो एक पे अप्लाई करना है और नीचे ड्रैग कर देना है अगर अगली बात करूं तो जैसे आ, यहां अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ध्यान रखिएगा जैसे मुझे क्या है कि डुप्लीकेट हाईलाइट करना है तो आप बोलेंगे क्या जरूरत है सर ये लीजिए डुप्लीकेट हाईलाइट हो गया यहां से में बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्या कर रहा है सारा हाईलाइट कर देगा तो मुझे इसमें एक को रखना है जैसे मान लीजिए नंबर चार बार आया हुआ है तो बाकी तीन को डिलीट कर देना है एक को रखना है अब इससे तो पता ही नहीं चलेगा किसको रखना है किसको डिलीट करना है दिक्कत हो जाएगी मेन्य करना पड़ जाएगा इसलिए मैं चाहता हूं जो पहला है वो रहे और दूसरा जो रिपीट हो रहा है वो सब कलर हो जाए ताकि हम फिल्टर कर सके तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा काउंटिंग का फॉर्मल काउंट इफ फॉर्मूला अगर हम कॉलम ए लेते हैं और इस कॉलम ए के अंदर हम इस ए टू को काउंट करते हैं तो क्या आ रहा है फोर आ रहा है मतलब कि वो नीचे जितना भी है ना सबका काउंट लेकिन मुझे तो यहाँ पे वन चाहिए कि पहला वन यहाँ पे दो चाहिए दूसरा वन यहाँ पे तीसरा वन यहां पे चौथा वन इस तरह से कैसे करें तो इसके लिए काउंट इफ के अंदर ही थोड़ा सा तिग्रम करेंगे हम क्या करेंगे ये लेंगे ए टू से ए टू मतलब ए टू से ए टू कॉमा ए टू तीनों जो है एक ही जैसा दे दीजिए ए टू से ए टू एंड कॉमा ए टू अब यहां पे क्या करेंगे पहले वाले ए टू को कर देंगे फ्रीज बाकी को छोड़ दीजिए जैसा तैसा और नीचे ड्रैग कर दीजिए अब नीचे जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देखेंगे सबका सिक्वेंस है. पहला वन दूसरा वन तीसरा वन चौथा वन आ जाएगा सेम इसी फॉर्मूले को यहां हम सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे न्यू रूल्स में जाएंगे और यहां हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे और बोलेंगे कि अगर ग्रेटर देन वन हो तो हाईलाइट कर दो तो जो ग्रेटर देन वन होगा उसको कर देगा हाईलाइट और पहले ऑन उनको छोड़ देगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा फॉर्मूला दिया है सेम फॉर्मूला ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा ओके? ऐसे मान लीजिए यहाँ पे सटरडे एंड संडे को हाईलाइट करना है तो ऐसे तो मैं एक बार में एक ही सेल पे कई सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकता हूं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक बार हाईलाइट में इक्वल टू में गए और इक्वल टू में मैंने यहाँ पे सटरडे दे दिया फिर संडे दे दिया लेकिन काफी सारा होगा तो दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा और का यहाँ तो पे देंगे इक्वल और और के अंदर हम लेंगे यहाँ पे कि ए टू इज इक्वल टू सटरडे कॉमा ए टू इज इक्वल टू संडे तो दोनों में से कोई एक हुआ तो आपका हाईलाइट कर देगा दोनों में से कोई भी एक हुआ तो हाईलाइट कर देगा Okay. Uh, एंड ओके यहाँ पे इन्वर्टर हाँ क्योंकि जब भी फॉर्मूला नीचे की तरफ प्रिंट कर देंगे ऐसे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं अभी हमारी फॉर्मुले क्लास हुई नहीं है तो कंडीशन के मैं एक और क्लास दूंगा जिसमें फार्मूले इस्तेमाल करूंगा बहुत सारा लेकिन वो करेंगे जो तो फार्मूले सीख लेंगे तब अब बात करते हैं होमवर्क की तो आपको एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना है जी हाँ हर मंथ के लिए एक फॉर्मेट हो जैसे मंथ चेंज करे और फॉर्मेट सारा आ जाए ऐसा एक अटेंडेंस फॉर्मेट आपको बनाना है फॉर्मेट के डिजाइन ना पता चले तो आप गूगल पे जाके चेक कीजिएगा गूगल चेक कीजिएगा उसी हिसाब से बना के भेजिएगा कल जो आपने होमवर्क बनाया था वो मैं कल दोपहर में चेक करके आपको बता दूँ और होमवर्क बना के बारह चार बजे से पहले भेज दिया कीजिएगा फिर तो चार बजे के बाद में क्लास में बैठ जाती ठीक है सर